नमस्कार साथियों, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही अच्छी खबर मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री महोदया ने एलडीसी भर्ती परीक्षा की घोषणा की थी और एग्जाम कैलेंडर भी देखा होगा आपने कि एलडीसी भर्ती परीक्षा की जो एग्जाम है वो 2022 दिसंबर में लगेगी। तो आज इस एलडीसी भर्ती परीक्षा की संपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं लेके आया हूँ। सिलेबस, योग्यता, ग्रेड पे और स्किल टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो ग्रेड पे है वो कितना है, 2400। एलडीसी भर्ती परीक्षा जो ज्वाइनिंग दे जाएगी तो आपको ग्रेड पे है वो 2400 रुपये मिलेगा। और बात करें अपन टोटल पोस्ट की तो 14000 पोस्ट है इस एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर। और इससे पहले हम बात करें तो एलडीसी भर्ती परीक्षा वो 2011 में आयोजित की गई, 2013 में आयोजित की गई और 2018 में आयोजित की गई। तो 2013 में जब एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी तो तब 7800 पोस्ट थी कुल, और जब 2018 के अंदर एलडीसी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई तो 11000 पोस्ट टोटल थी। इससे उसके बाद में हम बात करें कि एलडीसी ये जो में जो स्टूडेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगा उनकी ज्वाइनिंग कहाँ पर मिलेगी। तो जो स्टूडेंट एलडीसी भर्ती परीक्षा में सिलेक्ट हो जाएगा उसको ज्वाइनिंग दी जाएगी आरपीएससी कार्यालय के अंदर, सचिवालय के अंदर और अधीनस्थ कार्यालयों के अंदर। तो जो टॉप रैंक के विद्यार्थी होंगे उनको सबसे पहले आरपीएससी के अंदर मिलेगी, उसके बाद में सचिवालय के अंदर मिलेगी और उसके बाद में अधीनस्थ न्यायालय के अंदर, जो अधीनस्थ कार्यालय उनके अंदर ज्वाइनिंग मिलेगी। तो सबसे अच्छी पोस्ट अपन बात करें कहाँ ज्वाइनिंग हो तो आरपीएससी और सचिवालय के अंदर जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी उनके लिए बहुत ही अच्छी पोस्टिंग होगी, क्योंकि इनमें प्रमोशन भी जल्दी होता है और ट्रांसफर का सिस्टम भी इनमें नहीं होता। लेकिन जो अधीनस्थ कार्यालय में ज्वाइनिंग आएगी उनके प्रमोशन भी धीरे होता है और प्रमोशन भी धीरे होता है। तो इन तीन जगह पे आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। 2400 रुपये ग्रेड पे होगा, 14000 कुल पोस्ट है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में मैं बात करूँ इसमें इस भर्ती परीक्षा के अंदर योग्यता क्या होगी। तो देखो योग्यता की मैं बात करूँ तो योग्यता है वो एलडीसी भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता होती है 10+2 12वीं पास आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही आपके पास आरएससीईआरटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और एज आपकी 18 से लेकर 35 तक होनी चाहिए। और इस एज की जो गणना है वो जनवरी 2023 तक की जाएगी, ठीक है, जनवरी 2023 तक की जाएगी। तो 10+2 होना चाहिए, आरएससीईआरटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 18 से 35 तक उम्र होनी चाहिए और गणना है एज की वो जनवरी 2023 को की जाएगी। देखो कुछ न्यूज़ ये भी आ रही है कि ग्रेजुएशन है वो एलडीसी की जो योग्यता है वो कर देंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो सबसे पहले उनमें संशोधन करवाना पड़ता है और उस संशोधन करवाने के बाद में ही ऐसा हो पाता है। तो कम ही चांस है ग्रेजुएशन होने के, 10+2 ही अब की बार दोबारा से रहेगी योग्यता। उसके बाद में मैं बात करूँ एग्जाम डेट की तो आपने कैलेंडर देख लिया होगा, 2022 में वो एग्जाम है वो लगेगी दिसंबर के अंदर। और विज्ञप्ति है वो विज्ञप्ति अप्रैल के अंदर है वो जारी हो जाएगी, मार्च अप्रैल के अंदर विज्ञप्ति एलडीसी की है वो आ जाएगी। उसके बाद में मैं बात करूँ देखो एग्जाम पैटर्न की, तो एलडीसी भर्ती परीक्षा का एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ तो देखो दो स्टेज में होगी, फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में। फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जाम लिया जाएगा और सेकेंड स्टेज है उसमें स्किल टेस्ट लिया जाएगा। रिटन एग्जाम में देखें तो रिटन एग्जाम के अंदर दो पेपर लगेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पेपर के अंदर मैथ, साइंस और राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर के 50-50 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर के अंदर। और 100 नंबरों के होंगे, नंबर 100 होंगे फर्स्ट पेपर के, लेकिन क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, 150 पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ, साइंस और राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर के। उसके बाद में मैं बात करूं पेपर सेकंड की, तो पेपर सेकंड है वो दो सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी और इंग्लिश, और दोनों 75-75 क्वेश्चन है इनमें पूछे जाएंगे और 150 क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। और सेकंड पेपर के अंदर 40% नंबर लाने हुए हैं वह अनिवार्य है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर रिटन एग्जाम लिया जाएगा, दो पेपर होंगे फर्स्ट और सेकंड। पहले पेपर में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के मैथ, साइंस और राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर के, और सेकंड पेपर के अंदर आएंगे हिंदी और इंग्लिश 75-75 क्वेश्चन और 40% लाना अनिवार्य है। उसके बाद में मैं बात करूं देखो सेकंड स्टेज की, तो सेकंड स्टेज के अंदर स्किल टेस्ट लिया जाएगा। स्किल टेस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होगी और दक्षता परीक्षा ली जाएगी जो कि 50-50 नंबर की होगी, और यह भी 40% है लेके आना इसमें अनिवार्य है। तो हिंदी और इंग्लिश है कि दोनों की टाइपिंग होगी और दक्षता परीक्षा का भी ली जाएगी और वो है 40% रहेगी। उसके बाद में मैं देखो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की टाइमिंग की बात करूं तो 3-3 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो एलडीसी भर्ती परीक्षा से जुड़ी जितनी भी मैं अपडेट है वो मैं आपको दे दी है। एग्जाम कब लगेगा, दिसंबर 2022 में, विज्ञप्ति अप्रैल मार्च के अंदर आ जाएगी और दो पेपर लगेंगे, एक तो सेकंड पेपर हिंदी इंग्लिश का होगा और फर्स्ट पेपर मैथ, साइंस और राजस्थान जीके प्लस करंट अफेयर का होगा। और सेकंड स्टेज जब आयोजित किया जाएगा फर्स्ट स्टेज पास करने के बाद में तो वो स्किल टेस्ट होगा जो कि हिंदी और इंग्लिश का लिया जाएगा। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।